हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रक्षाबंधन का त्यौहार और महत्व। तो दोस्तों, रक्षाबंधन आ रहा है इस महीने अगस्त में, 19 नवंबर को रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो आइए शुरू करते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन या राखी का शुभ त्यौहार लगभग आ ही गया है। यह सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और हमारे भाई बहनों के साथ हमारे संबंधों का जश्न मनाता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन रेशम के धागे से बहन द्वारा भाई की कलाई पर बंधन बांधे जाने की रीत को रक्षाबंधन कहते हैं। पहले के समय में रक्षा के वचन का यह पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ यह भाई बहन के बीच का प्यार बन गया, जिसे बड़ी ही खुशी के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसे भाई उसकी सुरक्षा का वचन देता है। दोस्तों, यह पर्व उनके प्यार और संबंध को मजबूती देता है। इसके साथ ही भाई बहनों को उपहार भी देते हैं और खुशियों का त्योहार मनाते हैं। यह पर्व हमारे संबंधों को मजबूत बनाने का एक अच्छा मौका लेकर आता है और परिवार के बंधनों को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, इस साल रक्षाबंधन कब है? हिंदु पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात की जाए तो इस साल 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त को प्रातः 3:04 पर शुरू होगी। वहीं इसकी समाप्ति की बात की जाए तो 19 अगस्त को मध्यरात्रि 11:55 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से रात्रि 9:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7:37 का होगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ होगा दोपहर 1:30 के बाद और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन होगा रात्रि 9:07 तक। तो दोस्तों, रक्षाबंधन भारतीय संस्कृत में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो भाई बहन के प्यार और संबंध को मनाता है और यह पर्व श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसका मतलब होता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसके साथ भाई अपनी बहन को उपहार भी देता है। राखी का यह परंपरागत आचरण भाई बहन के प्यार और संबंध की महत्वपूर्णता को प्रकट करता है। रक्षाबंधन एक परिवार में खुशियों और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह दिन भाई बहन के बीच विशेष संबंध को मजबूती देता है और उनके प्यार को और भी गहराई देता है। इसके साथ ही यह पर्व भाई बहन के आपसी समर्थन और साथीपन की महत्वपूर्णता को भी प्रकट करता है और इस दिन प्रातः स्नान आदि करके लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई, फूल और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं और पहले अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है के बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर फूलों को छिड़का जाता है और उसकी आरती उतारी जाती है और यह दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है। भाई बहन को उपहार या धन देता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। प्रत्येक पर्व की तरह उपहारों और खाने पीने की विशेष पकवानों का महत्व रक्षाबंधन में भी होता है। आमतौर पर दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण होता है और रक्षाबंधन का अनुष्ठान पूरा होने तक बहनों द्वारा व्रत रखने की भी परंपरा है और यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही। धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी इससे अछूते नहीं हैं। यह बहुत ही खास त्यौहार होता है
और इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाते हैं और सभी रस्में पूरी करते हैं। समारोह और खास त्योहारी व्यंजन इस दिन को और भी ज़्यादा यादगार बनाते हैं। रक्षाबंधन के माध्यम से हम अपने परिवार के महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ समय बिता सकते हैं और उनके साथ खुशियां मना सकते हैं। समानता, समर्पण और प्यार की भावना से भरपूर यह पर्व हमें एक दूसरे के प्रति आदर्श संबंधों की महत्वपूर्णता को याद दिलाता है। इस त्यौहार के माध्यम से हम भाई बहन के बंधन को मजबूती देने के साथ साथ परिवार के बंधनों की महत्वपूर्णता को भी समझते हैं। हमारा देश अनेक रिश्तों के बंधनों में बंधा हुआ देश है, जिसमें से एक पवित्र रिश्ता भाई और बहन का भी है, जो प्रेम की एक ऐसी अटूट डोर से बंधा हुआ है जिसे चाह कर भी कभी कोई तोड़ नहीं जा सकता। रक्षाबंधन के दिन राखी का विशेष महत्व होता है। वैसे तो राखी कच्चे धागे से बनी होती है, पर जब ये रक्षाबंधन पर्व के दिन भाई की दाहिनी कलाई में बनती है तो वह बहन का रक्षा सूत्र बन जाती है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं और भाई भी जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पर्व को राखी का भी त्यौहार कहते हैं। रक्षाबंधन भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि अगस्त के महीने में आती है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। यह एक हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी यानी चावनी भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत का सबसे अधिक महत्व होता है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती वस्तु से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे तथा सोने या चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। राखी सामान्यतः बहने भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे पुत्र द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। कभी कभी सार्वजनिक रूप से किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन बाजार में कई सारे उपहार बिकते हैं। उपहार और नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार में लोगों की सुबह से शाम तक भीड़ होती है और घर में मेहमानों का आना जाना रहता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के बीच पवित्र प्रेम के प्रतीक को सदियों से दर्शाता हुआ चला आ रहा है। और रक्षाबंधन का अर्थ होता है रक्षा का बंधन। जब एक भाई रक्षा सूत के समान राखी अपनी भाई की कलाई में बांध देता है तो वह इस पवित्र प्रेम बंधन से बन जाता है और अपने प्राणों की चिंता किए बिना भी हर हाल में अपनी बहन की रक्षा करता है। रक्षाबंधन भाई और बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीकों के साथ साथ भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्यौहार भावनाओं और संवेदनाओं का त्यौहार है, जिसमें हर भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन उसे देता है। हर भाई बहन को रक्षाबंधन के दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसे बड़ी ही खुशियों के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन की तैयारी। इस दिन बहनें प्रातःकाल में स्नान आदि करके कई प्रकार के पकवान बनाती हैं। इसके बाद पूजा की थाली सजाई जाती है। पूजा की थाली में राखी के साथ कुमकुम, रोली, हल्दी, चावल, दीपक, अगरबत्ती, मिठाई रखी जाती है और भाई को बिठाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया जाता है। सबसे पहले अपने इष्ट देव की पूजा की जाती है। भाई को चयनित स्थान पर बिठाया जाता है। इसके बाद कुमकुम, हल्दी से भाई को टीका करके चावल का टीका लगाया जाता है और अच्छा सिर पर छिड़के जाते हैं। आरती उतारी जाती है और भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है। सब अनुष्ठान पूरा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह इस त्यौहार पर भी उपहार और पकवान अपना विशेष महत्व रखते हैं। र
रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है। यह एक ऐसा बंधन है जो दो जनों को स्नेह के धागे से बांधता है। रक्षाबंधन को भाई बहन तक ही सीमित रखना तय नहीं होगा, बल्कि ऐसा कोई भी बंधन जो किसी को भी बांध सकता है। भाई बहन के रिश्तों की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए यह बंधन आज गुरु का शिष्य को राखी बांधना, एक भाई का दूसरे भाई को, बहनों का आपस में राखी बांधना और दो मित्रों का एक दूसरे को राखी बांधना, माता पिता का संतान को राखी बांधना हो सकता है। आज के परिपेक्ष में राखी केवल बहन का रिश्ता स्वीकारा नहीं है, अपितु राखी का अर्थ है जो यह श्रद्धा और विश्वास का धागा बांधता है और राखी बंधवाने वाले व्यक्ति के दायित्वों को स्वीकार करता है और इस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। रक्षाबंधन का पौराणिक प्रसंग। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का पौराणिक प्रसंग यह है कि राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानों हावी होते नजर आए। एक बार दैत्य वृत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। संयोग से वह सावन पूर्णिमा का दिन था। लोगों को विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुई। उसी दिन से सावन पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है और यह धागा धन शक्ति और हर्ष विजय दोनों में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। इतिहास में श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी प्रसिद्ध है, जिसमें जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी तर्जनी में चोट आ गई। द्रौपदी ने उस समय अपनी साड़ी फाड़ कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी और इस प्रकार उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था और उसी के चलते कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में और चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ा कर चुकाया। कहते हैं परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना रक्षाबंधन के पर्व में यहीं से प्रारंभ हुई। और रक्षाबंधन का ऐतिहासिक प्रसंग। राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं उनको माथे पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में रेशमी धागा भी बांधा करती थी और इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजय श्री के साथ वापस ले आएगा। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उसने मुगल बादशाह हुमाऊँ को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमाऊँ ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके राज की रक्षा की। और एक प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास यानी पोरस को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन दिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए गए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। और रक्षाबंधन का साहित्यिक प्रसंग। रक्षाबंधन अनेक साहित्यिक ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें रक्षाबंधन के पर्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हरिकृष्ण प्रेमी का ऐतिहासिक नाटक रक्षाबंधन, जिसका 1991 में 8वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। मराठी में सिंधे साम्राज्य के विषय में लिखते हुए रामराव शुभान राव बर्गे ने भी एक नाटक की रचना की, जिसमें शीर्षक है राखी उर्फ रक्षाबंधन। 50 और 60 के दशक में रक्षाबंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विषय बना रहा। न सिर्फ राखी नाम से बल्कि रक्षाबंधन नाम से भी कई फिल्में बनाई गई। और रक्षाबंधन का सामाजिक प्रसंग। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्तों को पूरा आदर और सम्मान देता है।
रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व, यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल भाई बहन को ही अपित अन्य संबंधों में भी रक्ष या राखी बांधने का प्रचलन है। गुरु शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है तो शिष्य गुरु को। भारत में प्राचीन काल में जब स्नातक अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेता था तो आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधता था। जबकि आचार्य अपने विद्यार्थी को इस कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधता था कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अपने भावी जीवन में उसका समुचित ढंग से प्रयोग करे, ताकि वह अपने ज्ञान के साथ साथ आचार्य की गरिमा की रक्षा करने में सफल हो। इसी परंपरा के अनुसार आज भी किसी धार्मिक विधि विधान के पूर्व पुरोहित यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है और यजमान पुरोहित को। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने के लिए परस्पर एक दूसरे को अपने बंधन में बांधते हैं और रक्षाबंधन सामाजिक और पारिवारिक एकता बल बद्धता या एकता सूत्र का सांस्कृतिक उपाय है। स्वतंत्रता संग्राम में रक्षाबंधन की भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता को संरक्षित करता है। राष्ट्रीय एकता को समर्थन स्वतंत्रता संग्राम के समय रक्षाबंधन ने लोगों को राष्ट्रीय एकता और समरसता की भावना के साथ एकजुट किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीयों ने एकत्र होकर विदेशी शासनों से मुक्त के लिए संघर्ष किया। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन एक दूसरे के साथ आदर्श एकता का प्रतीक बन जाते हैं। राष्ट्रीय भाई को उत्साहित करना। रक्षाबंधन स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय भाव को उत्साहित करता था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए जान की बाजी लगाई थी और रक्षाबंधन के अवसर पर उन्हें समर्थन मिलता था और उनके लिए दुआएं बनती थीं। आत्मनिर्भरता की प्रेरणा। स्वतंत्रता संग्राम के साथ रक्षाबंधन के भारतीयों को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी। देश को स्वतंत्र बनाने के लिए भारतीयों को अपने को आपको सशक्त बनाने और देश के लिए स्वयं को समर्पित करने की जरूरत थी। रक्षाबंधन ने इस आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को शक्तिशाली बनाया। संबंधों को मजबूत करना। रक्षाबंधन के त्यौहार ने भारतीयों को संबंधों को मजबूत किया और भाई बहन के प्रेम और सम्मान को बढ़ावा देने से उनके बीच एक गहरा बंधन बनता था जो आपसी समरता को बढ़ावा देता था। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।